नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। पीयूष ट्रेन के बाद पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी से यूपी का कन्नौज लगातार देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। छापेमारी का आज दूसरा दिन जारी रहा। आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 9 नवंबर को पुष्पराज उस पंपी जैन ने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। उसके डेढ़ महीने बाद कल पंपी जैन के देश भर में 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स का विभाग पहुंचा। छापा भी कन्नौज में पड़ा जहां से पीयूष जैन के तहखाने से करोड़ों के नोट निकले। छापेमारी का आज दूसरा दिन भी लगातार जारी रहा। कल 100 करोड़ के बोगस शेयर का खुलासा हुआ था। 2021 के आखिरी दिन सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के MLC पंपी जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू हुई। कन्नौज तो पंपी जैन का गढ़, लेकिन उसके कारोबार के तार दिल्ली, मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु तक है। इसलिए रेट भी ऑल इंडिया लेवल पर बड़ी है। कुल 50 ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई। पंपी जैन के साथ साथ उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी। एक और इत्र कारोबारी अनूप जैन के कानपुर में आनंदपुर स्थित घर पर भी रेड हुई। अनूप जैन का इत्र कारोबार के अलावा कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पंप भी है। अनूप जैन की पत्नी पुष्पराज की बहन है। फिलहाल आयकर विभाग की बरामद की कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार अफसरों को 100 करोड़ के बोगस शेयर की ट्रेडिंग का पता चला है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के भी सुराग मिले हैं। पंपी जैन के ठिकानों से आयकर विभाग ने नकदी और जेवरात भी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही आयकर विभाग ने बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि छापेमारी और भी चलेगी, 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक जब तक सभी ठिकानों पर जांच खत्म ना हो जाए तब तक कन्नौज पंपी जैन के घर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद रहेंगे। फिलहाल अधिकारियों ने अपने कपड़े, सब्जी और दूसरे जरूरी सामान पंपी जैन के ठिकानों पर मंगवा लिए हैं।